विनम्र स्वागत छे। चर्चा करी रहा छे मोंघवारी पर। मारी साथे स्टूडियो में भाजप कांग्रेस ना नेताओ छे ने आर्थिक बाबतों ना निष्णात जोड़ाई चुक्या छे। शुभमभाई मल्लू अपनी साथे छे, निर्मलभाई नथवाणी अपनी साथे छे। शुभमभाई, सौथी पहेलो सवाल तमने, राजकीय पक्षों जे पण दावा करे, शुं मोंघवारी छे अने छे तो शुं कारण छे? देखिए चिंतन भाई, महंगाई का कैसा है कि हमें सिर्फ स्टेट या नेशनल फैक्टर्स को नहीं देखना है। महंगाई को देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है। आज आप देखेंगे यूएस के अंदर जो हमारा रेपो रेट है वो है 2.3%, जो कि 40 सालों में सबसे ज्यादा है। वो क्यों है? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि आज इतने सारे अनसर्टेन फैक्टर्स पूरी वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं। आप चाहे वो चाइना ताइवान का अभी जो वॉर स्टार्ट हो रहा है वो देखें, या फिर आप रशिया यूक्रेन का वॉर देखें जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि हमारा सप्लाई साइड इन्फ्लेशन वर्क कर रहा है अभी, और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आज ही जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिपोर्ट निकाली और 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट के अंदर इंक्रीज किया है, वो सिर्फ इसी वजह से कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। RBI का नॉर्मल टारगेट रहता है 2-6% का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कि 2-6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए जी। और हमारा इन्फ्लेशन बढ़ के हो चुका था अराउंड 7%, राइट। अब इसमें कैसा है कि आप इंटरनेशनली आप कंट्रीज के अंदर देखेंगे तो उन सब का भी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, इन्फ्लेशन हाई हुआ है, और उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के अंदर तो आना ही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट इंक्रीज हुआ है। अब रेपो रेट इंक्रीज करने का इम्पैक्ट क्या होगा? तो इम्पैक्ट उसका ये होगा कि बैंक्स अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होम लोन ले रहे हैं, आप व्हीकल लोन ले रहे हैं, तो आपका अब जो EMI है वो आपका बढ़ जाएगा। आज मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो आज 35 लाख रुपए का अगर आप होम लोन लेते हैं तो उस पर आपका महीने का 1000 रुपए का EMI बढ़ जाएगा। वो आपको एज ए कंज्यूमर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, वो ट्राई कर रही है इसको कंट्रोल करने का जी। हमने रिसेंट टाइम में देखा है कि काफी सारे पॉलिसी मेजर्स गवर्नमेंट भी लेके आई है। आपने देखा होगा आयरन और स्टील का इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। तो ये सब चीजें जो पॉलिसी मेजर है वो गवर्नमेंट ट्राई करती है, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो इतना नहीं आ पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस वजह से RBI रेपो रेट इंक्रीज करती है। एक विराम पर जो है, पहला निर्मल भाई, मोंघवारी छे के नहीं? घर लेवानું વિચારે તો એને સપનામાં એમ આવશે કે ભાઈ હવે આપણી આપણી શક્તિની બહારની વસ્તુ થઈ ગઈ છે આ? જી બિલકુલ ચિંતનભાઈ, દેખીએ ઘર લેના એક બહુત બડા ડિસિઝન હોતા હૈ। એક ઉદાહરણ આપ્યું મેં તમને, દરેક વસ્તુની વાત છે આ। જી જી જી, તો હર ચીજ કે અંદર કેસા હૈ કે અગર મહેંગાઈ બઢ રહી હૈ તો હર ચીજ કે અંદર ઉસકા ઇમ્પેક્ટ, ઉસકા પ્રભાવ આયેગા, ઓર ઉસ વજહ સે ઉનકી પ્રાઇસેસ બઢેગી। લેકિન યહાં પે હમકો એક ચીજ સમજની જરૂરી હૈ, क्योंकि मैं एक GST का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। आज GST के अंदर अलग अलग रेट है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है सबसे लग्जरी गुड्स पे। तो जब GST 2017 के अंदर आया था तो वहाँ पे जो GST कमेटी है उन्होंने उस टाइम पे एक रेट निकाली थी, एक एवरेज रेट निकाली थी कि 15% की अगर एवरेज रेट है और उस उतना गवर्नमेंट अर्न कर लेती है, उतना रेवेन्यू आ जाता है, तो एक GST सक्सेसफुल माना जाएगा। लेकिन आज वो रेट सिर्फ 11.6% हुई है एवरेज करके, RBI का रिपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी गवर्नमेंट के पास स्कोप है उतना रेवेन्यू बढ़ाने का। आज जैसे कि सर बोल रहे हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, कि 1.5 करोड़ का रेवेन्यू पर मंथली गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, राइट। लेकिन उसके उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है GST का रेवेन्यू कलेक्शन का, लेकिन इसकी मार जो पड़ेगी वो पड़ेगी कॉमन जनता पे। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिसके अंदर, जैसे कि अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन के अंदर काफी सारी सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट थी उनके अंदर भी टैक्स लगाया है, जैसे कि होटल की सर्विसेज, जो 1000 रुपए से कम का होटल का रूम है, अब 1000 रुपए से ज्यादा वाले जो होटल के रूम है उसको भी नॉन एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाल दिया है। तो उससे क्या है कि काफी सारी जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज है उस पर टैक्स लगाने की वजह से कॉमन अगर कोई भी आदमी है और वो होटल में जा रहा है तो अब उसको 18% एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल,
भारतीय जनता पार्टी ना प्रवक्ता एम कही रहा है कि जवाहरलाल नेहरू अत्यारनी मोंघवारी आपने भविष्य की बात कर ले एम कही रहा है भविष्य की बात कर ले एम कही रहा है समय सरखमणी करो तमे जारे अत्यारनी बात करो अत्यारनी हमारी सामने छे अरे तमे तेलनो महंगाई कम करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ आरबीआई दोनों इनिशिएटिव लेती है, दोनों काम करती है महंगाई कम करने के लिए। गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है एक लेवल तक, लेकिन जो मेजर काम है वो आरबीआई का है, जो कि आरबीआई बखूबी कर रही है। अभी जिस तरीके से रेपो रेट बढ़ी है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया है। इस पे कोई दो राय नहीं है कि कोई अच्छा काम नहीं किया है। जैसे कि मैंने बताया, वीट का एक्सपोर्ट बैन किया है, तो उससे क्या है कि डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो इंक्रीज हुई है, और उस वजह से वो महंगाई कम हुई है। उसके साथ साथ मेरा एक मानना है कि गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि जो ट्रेड पॉलिसीज होती है, आज क्या है कि जो हमारे पास FDI बाहर से जो पैसा आता है वो इन्वेस्टर्स को एक ट्रस्ट मिलना चाहिए कि आज रात को उठ के गवर्नमेंट किसी भी स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, तो ये जो ट्रेड पॉलिसी का स्टेबिलिटी है कि एक तरीके की ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, वैसा गवर्नमेंट को एक इम्प्रेशन देना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ताकि वो लोग फंड यहाँ पे लेके आए। समय नो अभाव छे। बिल्कुल बिल्कुल, आप तमाम जो मेहमानों जोड़ाया चर्चा में आपनो खूब खूब आभार। एक बात स्पष्ट छे कि मोंघवारी छे छे अने छे, अने ने कंट्रोल करवी ए सत्ताधारी पक्षनी जवाबदारी छे। एना माटे योग्य अने नक्कर आयोजन होवुं जोईए, तो ज तमारा अने मारा जेवा लोकोना सपना छे ए मोंघा नहीं थाय अने आपणा दरेक व्यक्तिना खिस्सामां थोड़ा रुपया बचता थशे। नमस्कार।